जन अधिकार पार्टी खोलेगी विधानसभा में अपना खाता, मूल शरण कुशवाहा। सोमवार को जन अधिकार पार्टी कार्यालय का उद्घाटन एसडीएम आवास के सामने माधोगढ़ में हुआ, जिसमें जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मूल शरण कुशवाहा व ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फीता काटकर उद्घाटन किया। मूल शरण कुशवाहा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा 2019 में सभी को मौका मिला है, जिसमें युवाओं को बेरोजगारी तो जनता को महंगाई की मार खानी पड़ी। यदि जनता हमें एक मौका देती है तो नई उमंग के साथ क्षेत्र विकास को अधिक महत्व दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अपराध का खात्मा, युवाओं को रोजगार और महंगाई को कम करने में हमारी सरकार प्रयासरत रहेगी। उन्होंने बसपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि बसपा की प्रत्याशी शीतल कुशवाहा भले ही अपने समर्थकों के साथ मैदान में डटी हैं, लेकिन कुशवाहा समाज अब जागरूक हो चुका है। वह अपनी पार्टी संगठन के हित में व बाबू सिंह कुशवाहा के साथ खड़ा है। विनोद कुमार कुशवाहा, ब्यूरो रिपोर्ट। के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो मैं कह रहा हूँ कि आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये जिसका घटक था जन अधिकार पार्टी भी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिम लीग भी और तमाम और पार्टियाँ। चूँकि यह एक गठबंधन की पार्टी भी है, तो आगे यह विधानसभा में किस प्रकार की लड़ाई लड़ना चाहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के खिलाफ हम सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारा इस वादापुर सीट में हमारा गठबंधन का चेहरा मानी कुशवाहा जी है, और हम लोग यहाँ जीत दर्ज करेंगे भारी मतों से। माधोगढ़ सीट में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जाप और MIM की सरकार बनेगी इंशाल्लाह, और यहाँ MLA बनेंगे। इस विधानसभा में आप अपनी लड़ाई किस पार्टी के साथ में मानना चाहते हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सारी पार्टी की लड़ाई नंबर दो की है, नंबर एक में हम सब हमारे पीछे। चूंकि यहाँ एक बसपा में भी कैंडिडेट जो है वो भी कुशवाहा है, तो क्या कुशवाहा संबंधित पार्टी लेकर चलेगी या कोई संगठन को लेकर चलेगी? सबसे पहला को तो हम लोग जातिवादी पॉलिटिक्स नहीं करते, हम राजनीति करते हैं अधिकारों को। इस माधोगढ़ सीट में क्या इससे पहले जो विधायक अभी मौजूदा विधायक हैं रंजन राजपूत जी, क्या नाम मूलचंद रंजन जी, उन्होंने कितना विकास कराया। मैं अभी कोच से आया हूँ, रास्ते में यहाँ पर कितने गड्ढे सड़क में, सरकार के विधायक ने काम नहीं कराया। हमारी लड़ाई सभी उन लोगों के लिए है जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, किसी एक पर्टिकुलर जात से मत जोड़िए। यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या किस प्रकार का विकास कराया जाएगा इससे? सरकार बनती है तो हमारे सरकार के चेहरे माननीय शिवाजी ने ऐलान कर दिया है वर्चुअल रैली लखनऊ में 22 तारीख को। हमारे मुद्दे क्या है, हमारी सरकार के काम करने का तरीके सारा हमारे अध्यक्षों ने ऐलान कर दिया है।